चुनाव के मद्देनजर नगरवासियों से एक सर्वे के अनुसार 2019 के चुनाव को लेकर बातचीत की कि आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे। इस बार सब लोगों ने की एक ही राय थी, नरेंद्र मोदी। उनसे पूछा कि कांग्रेस पार्टी में पहले राहुल गांधी है, अब कांग्रेस पार्टी में एक नया चेहरा उतारा है जो है प्रियंका गांधी। तो लोगों ने जवाब दिया कि जो काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है वह शायद कांग्रेस पार्टी कभी नहीं कर पाएगी। देहरादून उत्तराखंड से कैमरामैन विनोद कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं देहरादून के घंटा घर पे, जो कि देखा जाता है 2019 के चुनाव नजदीक है। आइए जानते हैं जनता की क्या राय है, 2019 में पीएम के रूप में किसे देखना चाहेंगे। भाई साहब स्वागत है आपका इंडिया 24 टीवी न्यूज में। जैसा कि जानते हैं कि पीएम के चुनाव नजदीक हैं, तो 2019 में आप किसे देखना चाहेंगे? सर हम तो नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं सर, क्योंकि उन्होंने बहुत विकास कराया हमारे देश में और वो कराते भी रहेंगे। राहुल गांधी जी को क्यों नहीं देखना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी ने एक नया चेहरा उतारा है जैसे कि प्रियंका गांधी जी को, तो राहुल गांधी जी को क्यों नहीं देखना चाहेंगे आप? क्योंकि सर राहुल गांधी जी की तो सरकार का काफ़ी टाइम से कहते बनी चली आ रही है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नया नहीं किया जो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अच्छा, आपका कहना यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो काम करा वो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई है? नहीं कर पाई सर। आपकी क्या राय है भाई साहब? सर प्रधानमंत्री हमारे देश का होना तो नरेंद्र मोदी जैसा है, ये हमारा सभा की बात है सर, ये हमारी सभा की बात है कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी जैसा कोई पीएम आया पहली बार। राहुल गांधी जी को क्यों नहीं देखना चाहेंगे? 100 साल से सर राहुल गांधी की सरकार चली आ रही है, राहुल गांधी ने कोई नया काम नहीं किया, तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी जी को ही देखना चाहेंगे। जी सर, चुनाव नजदीक हैं तो प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे आप इस बार? राहुल गांधी जी क्यों नहीं, कांग्रेस पार्टी ने नया चेहरा उतारा है प्रियंका गांधी को? नहीं, मोदी जी ने ऐसा क्या काम करा है तो मोदी जी आएंगे, सब लोगों का यही कहना है। काफी कुछ करा है। आपका कहना यह है कि मोदी जी आएंगे? आपकी क्या राय है भाई साहब? पॉज कर दो। राइट भाई साहब, जैसा कि 2019 के चुनाव नजदीक हैं, तो प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे इस बार आप? वन एंड ओनली नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी जी क्यों नहीं? अब कांग्रेस पार्टी ने नया चेहरा उतारा है प्रियंका गांधी जी को, अभी तो नया उतारा है ना उन्हें, रमने तो थोड़ा सा तैयार तो होने दो उन्हें, अभी तो कुछ सीखा ही नहीं, अभी तो 9 सीखे हैं वो। तो जो चल रहा है भाई साहब वो बहुत बढ़िया है, जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। लोगों को लग रहा होगा कि हमारे फायदे के लिए नहीं है ये, लेकिन कहीं ना कहीं आपका भविष्य ही बेहतर हो रहा है। ऐसा होता है जब भी कभी भी बदलाव आता है ना, तो शुरू में दिक्कत आती है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजर रहा है ना, तो सब चीज़ अच्छी होंगी। आप आज हम आप दिक्कत झेल रहे होंगे, लेकिन जो हमारा भविष्य है ना, हमारे बच्चों का भविष्य है, वो बहुत बढ़िया होगा, बहुत सुनहरा होगा। इसलिए सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र भाई साहब, जैसे 2019 के चुनाव नजदीक हैं, तो प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे आप? नरेंद्र मोदी। जिस समय पर कांग्रेस पार्टी ने नया चेहरा उतारा है, राहुल जी पहले थे, प्रियंका जी भी आई हैं, तो राहुल जी क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें तजुर्बे की कमी है, और ये जो प्रियंका जी आई है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में इनसे बेहतर और इनसे तजुर्बे करने का भी है, तो प्रियंका जी को प्रियंका जी को। अच्छा, मतलब नरेंद्र मोदी जी को ही दोबारा देखना चाहेंगे आप? जी, नरेंद्र मोदी इज बेस्ट।